अगर आप भी दोस्तों रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए लाया हूँ आप एट ऐसी रोमांटिक फिल्में जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिले हैं और ये फिल्में आपके दिल को छू जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8 पर मूवी है अमेरिकन ब्यूटी, जिसे 1 की रेटिंग मिली है और यह मूवी 1999 में आई थी, जो 2 आवर 2 मिनट की है और जिसे IMDb रेटिंग 8.3 की मिली है 10 में से। वहीं इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि सम्मानजनक नौकरी और परिवार के साथ लेस्टर का जीवन परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह धीरे धीरे डिप्रेशन में गिरता जा रहा है। जीवन से संघर्ष करते हुए वह अपनी बेटी की दोस्त एंजेला पर मोहित हो जाता है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वहीं नंबर 7 पर मूवी है गुड विल हंटिंग, 1997 में आई थी, जिसे यू की रेटिंग मिली है और यह मूवी 2 घंटे 2 मिनट की है, जिसे IMDb की रेटिंग 8.3 की मिली है 10 में से। और वही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि मैथ के जीनियस बिल हंटिंग मैथ की सभी कठिन समस्याओं को हल कर देते हैं, और जब वह इमोशनल संकट का सामना करते हैं तो वह साइकेस्ट्रिक डॉक्टर सीन गुइरोटो की मदद लेता है, जो उसे ठीक होने में मदद करते हैं। अब आगे की कहानी आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 6 पर मूवी है फॉरेस्ट गम, जिसे UA सर्टिफिकेट मिला है और यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी, जो 2 घंटे 22 मिनट की है। वहीं इसे IMDb रेटिंग 8.8 की मिली है 10 में से। और वही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट एक लो IQ वाला व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआती ईयर को याद करता है, और जब उसने खुद को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बीच में पाया था और अब वह बस अपने बचपन की लवर जेनी से दोबारा मिलना चाहता है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वहीं नंबर 5 पर मूवी है मूनलाइट, जिसे सर्टिफिकेट 1 ही मिली है और यह 2016 में रिलीज हुई थी, जो 1 घंटे 51 मिनट की है और जिसे IMDb रेटिंग 7.4 की मिली है 10 में से। वहीं हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि चिरोन एक यंग अफ्रीकी अमेरिकी लड़का है, जो एक ड्रग डीलर जुआन से मार्गदर्शन पाता है, जो उसे अपना रास्ता खुद बनाना सिखाता है। और अब वह जैसे जैसे मियामी में बड़ा होता है जुआन की सलाह पर अमीर प्रभाव छोड़ती है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वहीं नंबर 4 पर मूवी है ए ब्यूटीफुल माइंड, जिसे UA की रेटिंग मिली है और यह 2001 में रिलीज हुई थी, जो 2 घंटे 15 मिनट की है और जिसे IMDb रेटिंग 8.2 की मिली है 10 में से। मूवी में हमें देखने को मिलता है कि जॉन नैश एक प्रतिभाशाली लेकिन असामाजिक गणितीय प्रतिभा एक क्रूर विकार का सामना करने पर खुद को दर्द में पाता है। वह अंततः अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है और किसी भी आघात से मुक्त हो जाता है। पूरी मूवी की स्टोरी जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। और वही नंबर 3 पर मूवी है टाइटैनिक, जिसे UA की रेटिंग मिली है और यह मूवी 1997 में रिलीज हुई थी, जो 3 घंटे 16 मिनट की है और जिसे IMDb रेटिंग 7.9 की मिली है 10 में से। और वही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि रोज, जिसे एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और उसे एक अकाल्पनिक टाइटैनिक पर सवार एक प्रतिभाशाली कलाकार जैक से उसे प्यार हो जाता है, और दुर्भाग्य से जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा, और बहुत ही बेस्ट मूवी है। और वही नंबर 2 पर मूवी है हर, जिसे 1 की रेटिंग मिली है और यह मूवी 2013 में आई थी, जो 2 घंटे 6 मिनट की है और जिसे IMDb रेटिंग 8 की मिली है 10 में से। और हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि थियोडोर टॉम्बली एक अंतर्मुखी लेखक है, उसे लिखने में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खरीदता है। हालांकि जब उसे AI को सीखने और अनुकूल करने की क्षमता के बारे में पता चला तो उससे प्यार हो गया है। अब आगे क्या होता आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वहीं इस लिस्ट में नंबर 1 पर मूवी है लाला लैंड, ए सर्टिफिकेट मिला है और यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, जो 2 घंटे 8 मिनट की है और जिसे IMDb की रेटिंग 8 की मिली है 10 में से। और इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि जब सेबेस्टियन एक पियानो वादक और मिया एक एक्ट्रेस है, अपने जुनून का पालन करते हैं और अपने अपने एरिया में सफलता हासिल करते हैं, तो वे खुद को एक दूसरे के प्रति प्यार और अपने करियर के बीच फंसा हुआ पाते हैं। और पूरी मूवी की स्टोरी जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने अगर इनमें से किसी भी मूवी को देख लिया है तो कमेंट में बताइएगा तो आपको यह मूवी कैसे लगी है। तो मिलते हैं तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।